एंड वेलकम टू सियासत है हमारे आज मेहमान हैं हमारे वन एंड ओनली जफ़र हिलाली साहब सबक सफीर हैं पाकिस्तान के स्लवीनिया गए सफीर की हैसियत से भी गए थे स्लवीनिया आप इटली में जब था तो आपवीनिया इटली फ्रांस इंग्लैंड का दौरा करके आए हैं छः हफ़्ते निजी दौरा जिसके अंदर उन्होंने क्योंकि सफीर है सफारत सिफ, खून से निकली नहीं है तो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स जमा करके लाए दो आर्टिकल्स लिखे एक तो अगले दिन लिखा जिसका नाम था हेडिंग स्ट्रेट फॉर दबिस मतलब खाई की तरफ हम सब रास्ते में खाई की तरफ जा रहे हैं और फिर एक और आर्टिकल लिखा तीन चार दिन बाद जब पाकिस्तान की आबो हवा से वापस से क्लिमेटाइज़ हो गए द टाइम इज़ नाउ टू टर्न थिंग्स अराउंड अब वक्त आ गया है और आ यही वक्त है कि आप अपनी सिंध को दुरुस्त करें वरना डिज़ास्टर लाल साहब पहले पहली आर्टिकल की और जो आप गए हुए थे उस ज़माने में जो कराची में हो रहा था क्योंकि आप रहते यहीं हैं उसके हवाले से बात करते हैं बाहर गए कैसे लग पाकिस्तानियों को किस तरह लगा वो जो मुल्क को याद करते हैं फॉरेन रेमिटेस रिकॉर्ड के नंबर्स में वापस भेजते हैं क्या ख्याल थे पैसे तो उनको भेजने हैं इसलिए कि उनके रिश्तेदार हैं इधर और रिश्तेदार जो हैं वो उनके पास काम नहीं है उनकी बिजनेस ख़त्म व ठप हो गई हैं तो उनको पैसे भेजने पड़ते बल के ज़्यादा भेजने पड़ते हैं अपने पे कम खर्च करके और रहमान मलिक साहब ने हुंडी उन्डी भी बंद कर दी है तो अब आपको हाँ, तरीके के जरिए भेजने हैं। अच्छा चलिए उंडी बंद हो गई है मगर कभी बंद नहीं हो सकती मगर कमाल की बात यह है कि उनका जो सोच और ख़्याल है पाकिस्तान के बारे में और उनको जो कहानियाँ मिलते हैं पाकिस्तान के बारे में वो बिल्कुल इस वक्त वो छुपे हुए हैं वो लोगों को बताना नहीं चाहते हैं वो पाकिस्तानी हैं वो इतने शर्म, शर्मिंदा हैं इस हद तक के वो कहते हैं कि भाई हम तो है ही नहीं पाकिस्तानी तो एक को मैंने पूछा है एक पढ़ा लिखा आदमी मैंने कहा यार क्यों कह रहे हो कि तुम पाकिस्तानी नहीं हो कहते हैं जी आपको पता नहीं है एक दफ़े में हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हो तो एक सौ और सवाल वो पूछते हैं पूछते हैं कि तुम किस किस्म के लोगों हो तुम लोगों को काट के गिनी बैग्स में डालते हो तुम्हारे जो दूसरे लोग हैं फ्रंटियर में वो बच्चों को मारते हो तुम हो किस किस्म के वट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल आई यू तो वो कहते हैं इससे बचने के लिए बेहतर है हम कह दें कि हम पाकिस्तानी नहीं कहीं और का कह देते हैं अच्छा वो उनका अपना हक़ हाँ है वो फेस नहीं करना चाहते एक डिनयल में रहते हैं जिस तरह हमारा मुल्क भी डनाइल में रहता है आपने वक्त आ गया है सिम दुरुस्त करने का आपने ये आर्टिकल लिखा द न्यूज़ में छपा पंद्रह सितम्बर को ये अलताफ़ हुसैन साहब ने भी एक तकरीर की थी वो शायद आपने देखी होगी उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि जी पोस्ट पाकिस्तान से प्लान हो रहे हैं वो तो कह रहे थे कि साजिश है लेकिन आपने कहा कि साजिश नहीं है एक किश्ती जिसमें आप सब जा रहे हैं उसके अंदर सुराख हो गए बाकी दुनिया कह रही है कि जी सुराख हो गए आप क्या समझते हैं पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो पूरी दुनिया अगर प्लॉट एंड प्लान कर रही है और हम कह रहे हैं नहीं जी बड़ी खुद मुख्तार रहे मेरे ख्याल में ये समझना कि लोग लगे हुए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ ये एक एग्जेजन है मगर लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं रहा और चौंसठ साल पहले तो पाकिस्तान था नहीं और अगर जिन्ना के प्रपोज़ल्स वो मान जाते जो हिंदुस्तान की कांग्रेस थी तो पाकिस्तान होता नहीं इसलिए कि उस प्रपोजल्स में ये था कि भाई मुसलमानों जो हैं हमारे जो है उन पर हिंदू मेजॉरिटी की डोमिनेशन नहीं होगी वो नहीं माने इसलिए पाकिस्तान बना मगर अब जो बना है शुक्र है बना आधा तो हम खो गए और ये जो बाकी हिस्सा ये रह गया है तो ये भी अगर चले जाएगा अगर आप इसी तरीके से चलें मैं कहना कराची के बारे में आपने बात की मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कराची की पॉपुलेशन लोग कहते हैं अट्ठारह मिलियन है बासठ मुल्क हैं यू एन में, में मेरे ख्याल में जिनका पापुलेशन अट्ठारह मिलियन से कम है यूरोप में दस बारह मुल्क ऐसे हैं जो तीन चार को भी आप मिला दें फिर भी 18 मिलियन का पापुलेशन नहीं होता वो चला रहे हैं उनको विद एजुकेटेड पीपल पी एच डीज और उनके हर किस्म के एक्सपर्टीज़ उनकी गवर्नेंस में आती है हमारे मुल्क में नाइन्थ ग्रेडर्स जो होते हैं मैट्रिक फेल टी के साथ अट्ठारह मिलियन का एक शहर जो है उसको कब्जा किया हुआ है तो माफ़ करिए मेरे ख्याल में कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ अगर इसी तरीके से आप चलाएं हिलाज साहब आप जब गए हुए थे तो काफ़ी काफ़ी बुरा हाल था लेकिन अब सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट आई सिचुएशन थोड़ी सी सॉल्व हुई कमिटीज़ बनाई गई रेंजर्स की तरफ से एजाज चौधरी साहब की तरफ से काफ़ी स्ट्रैंगथन पोजीशन आई कि जी अगर हमारे पास ये इख्तियार रहे तो इन दहशत गर्दों को सर नहीं उठाने देंगे आइंदा और सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होती हुई लगी आप समझते हैं ये सिचुएशन का हल है कि सुप्रीम कोर्ट आके एक जायज़ा ले ले और दो जजेस बिठा के चली जाए और फिर रेंजर्स को इख्तियार मिल जाए देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों आए इधर पॉपुलर डिमांड ठीक है स्व मोटर नोटिस दिया क्या करने आई वो कानूनी सिचुए सुप्रीम कोर्ट का, का काम क्या है वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं अब ये जो कानून है पाकिस्तान का अगर वो अगर इंटरप्रेट करें कि वो एक पॉलिटिकल फैसला देंगे अगर कानून को इंटरप्रेट करेंगे तो बड़ा क्लियर कट वर्डिक्ट आना चाहिए कि जो लोग कानून के खिलाफ हैं उनको पकड़ें जो लोग कानून के खिलाफ एज ए ग्रुप एक्ट करते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्क्रैप करें मगर मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस किस्म का कानूनी फैसला नहीं देगी और ये टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का क्या वो कानूनी फैसला वो देगी जो हो गया है कि भाई रेंजर्स को छोड़ दो उनको काम करने दो मैं फिर आई मीन यू डोंट नीड द सुप्रीम कोर्ट टू टेल यू दैट अगर रेंजर्स का काम है और इफ़ेक्टिव है और इफेक्टिव है बड़ी अच्छी बात है मगर ये आप फिर सुप्रीम कोर्ट के आने की क्या ज़रूरत थी सुप्रीम कोर्ट ने आके बताया कि भाई लोग इधर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं ये 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 लोग हैं हमने नोटिस लिया है और उनको ये 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 सज़ा मिलेगी बताओ हमें कि क्या सिचुएशन है और सब ने जाके जवाब दिया उसके अंदर पुलिस का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल था सर उसके ऊपर भी आप लिखते इफ़ यू वर फॉलोइंग इट पुलिस ने ये अपना फर्ज़ समझा कि जाके बताया जी इतने मरे इतने मरे इतने मरे हमें पता है कि हमें इतनी लाशें मिली इतनी लाशें मिली दस इट हमारी पुलिस एक कलोनील एंटिटी हुआ करती थी 47 से पहले आवाम के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए आज भी एक कॉलोनी एंटिटी है अमीर की तरफ से गरीब के ऊपर अमीर नहीं हुक्मरान की तरफ से गरीब के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए पुलिस को सर्विस ऑफ द पीपल मैंने तो कभी नहीं देखी आपने अगर कभी देखी तो हो आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस सर्व करेगी पीपल को कि जब उनकी रिक्रूटमेंट होती है पोलिटिकल बेसिस पे फोर्टी परसेंट जो है पुलिस फोर्स आई जी साहब ने खुद कहा कि फोर्टी परसेंट इज़ रिक्रूटेड ऑन पोलिटिकल बेसिस और फिर फरोन नसीम साहब ने मुझे कल कहा सर कतक की कतल उन्होंने कहा कि मैंने केस किया हुआ है बताते ख़ुद जिसके अंदर उन्होंने पुलिस वाले आइडेंटिफाई किए हज़ारों की, की तादाद में जिन्होंने पुलिस ट्रेनिंग भी हासिल नहीं की जो पुलिस अकेडमी के थ्रू भी नहीं आए यानी यह भी नहीं कि सियासी आपने अपना एक बंदा पकड़ा और उसको पुलिस अकेडमी में ठूस दिया ये भी नहीं उसको सीधा पकड़ा बंदूक थामी पेटी नंबर दिया और रोड पर खड़ा कर दिया बिल्कुल ये तो उनका जागीर है इट्स वो पुलिस में नौकरी देना तो ये गवर्नमेंट का एक राइट है जिस तरह आपको टीचर्स लगाने का भी राइट है आपने दूध वाला पसंद आ गया टीचर ये तो हर चीज़ में हो गया जी टॉप पोस्ट सिविल सर्विस में ही ऐसे जाते हैं आज आपने पढ़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के लड़के से कोई चिट मिलता है कि इसको ये अगर ये से ऐसी तरीके से आपको मुल्क चलाना है तो फिर ये सेक्रेटरीज़ और इस्टेबलिशमेंट सेक्रेटरीज़ और एस्टा कोड और गवर्नमेंट सर्विस रूल्स रखने का फ़ायदा क्या है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब इससे नीचे हम नहीं गिर सकते हम एक आ, क्या कहते हैं एक के में हैं वी ग्रो तो ग्रोटेस्क के एंड इट इज अ ग्रोटेस्ट के और इसे अगर हम ना निकले एंड वी डोंट टेक वेरी इजिली डिसर्नेबल स्टेप्स कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है रॉकेट साइंस नहीं है जो हमें करना है अगर वो भी नहीं कर सके तो फिर ये बदबख्ती ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान का परसप्शन आपने कहा कि नेगेटिव हो गया है पाकिस्तानियों में ही मैं फ़ॉरन सेटल पाकिस्तानीज़ को इतना लेवरेज देता नहीं हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ पार्ट द प्रॉब आम, लेकिन खैर उनका हक हाँ है उनका हक हाँ है जाना उनका हक हाँ है वापस पर पैसे भेजना अपने खानदानों को आम, आपने पीआईए का हवाला दिया अपने आर्टिकल में कि जी देखें कितना अच्छा हाल कितनी अच्छी चीज़ होती थी दुनिया की इमर्जिंग एयरलाइंस में से एक होती थी आज उसका हाल देख लें ऐसे और इदारे हैं ओ के अंदर आप करप्शन हर जगह करप्शन आप पॉइंट आउट कर सकते हैं हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आप जब गए हुए थे तो चेयरमैन एफ ने फरमाया कि जी टैक्स कलेक्ट हो गया जितने चाहिए थे उससे एक डेढ़ अरब ज़्यादा कलेक्ट हो गया फिर उनको पता चला कि उनके जो अफसरान थे आला बीस और इक्कीस ग्रेड के उन्होंने नंबर्स फज किए थे और असल में तीस दरक़ीक़त तीस अरब कम कलेक्ट हुआ है तो ये तो ज़बरदस्त ना आपके व्यूअर्स को आप ये बताएं कि जब पाकिस्तान ने अपने स्टैटिस्टिक्स दिया वर्ल्ड बैंक को या आईएमएफ को कि ये ये स्टैटिस्टिक्स हैं छः परसेंट आठ परसेंट दस परसेंट डवेलपमेंट हो ग्रोथ है या माइनस है वो स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं कॉन्फिडेंशियल नहीं होते हैं मगर वो पब्लिक नहीं होते हैं वो लोग दे देते हैं खात पे सीक्रेट नहीं होता एक किस्म की कॉन्फिडेंशल है आपको पता है कि वो भी गलत थे और आपको पता है कि आपका जुर्माना हुआ था अगर मैं आपको बता दूं कि आपका 25 या 30 मिलियन डॉलर फ़ाइन हुआ फॉर लाइंग टू दू द वर्ल्ड बैंक एक सेकेंड वर्ल्ड बैंक जो आपको कर्ज देता है जो कर्ज देता है उसको उनको आप स्टेटिस्टिक्स जो देते हैं आप उनको अगर वो आप झूठे स्टेटिस्टिक्स देते हैं जानबूझ के या ना एहली की वजह से नहीं नहीं जानबूझ के तो अब वो क्या करेगा आपसे वो डील कैसे करेगा वो कहेगा कि कितना झूठा है ये तुम लोगों को पनिश होना चाहिए और मैंने सुना है कि उन्होंने पीनलाइज किया है पाकिस्तान को इसलिए तो यू नो हम हम एक वी आर अ रिमार्केबल कंट्री देखिए मैं भी झूठ बोलता हूँ कानून सज़ा से बचने के लिए लोगों को चोट नहीं देने के लिए सोशली एम्बेरसिंग सिचुएशन के निकलने के लिए अगर किसी ने आपको जहर खाना पका के खिला दिया और कैसा कैसा था खाना तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार तुमने जहर दे दिया आप कहेंगे बड़ा अच्छा था ये वो हम सब झूठ बोलते हैं मगर पाकिस्तानी कौम जो है हम झूठ बोलते हैं जब सच बोलना ज़्यादा आसान है ये एक बड़ा नया फिनना है जब सच बोलना ज़्यादा आसान है हम झूठ बोलते हैं किसी को पूछा भाई आपने नाश्ता किया क्या यार आज तो मैंने आधा बकरा और चालीस अंडे खाए आई मीन वाट इज़ द नीड क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने टोस्ट खाया नहीं खाया कॉफ़ी पिया नहीं पिया फ़र्क तो नहीं पड़ता है तो क्यों झूठ बोले ठीक हिला एक, एक ब्रेक लेंगे सर ब्रेक के बाद कराची की पुलिसिंग के हवाले से आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेरे पुराने शो में एक में आपने कहा था कि आपको इख्तियार दे दें आप तीन चार लोगों को खंभों से टांग देंगे और फिर आप सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे इसके ऊपर आज आपकी क्या राय है इसके ऊपर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और तालिबान और हमारी जो दहशतगर्दी का हाल है उसकी एक नया चैप्टर ऐड हो गया कि जी अब एक ट्राइब अगर तालिबान के ख़िलाफ़ लश्कर खड़ा करता है तो उनके बच्चों को मारने में लग जाते हैं तालिबान और फिर कहते हैं ये हमारा आपकी तरफ एक वार्निंग का इशारा है ये है हालत पाकिस्तान की इसके ऊपर गुफ्तू कर रहे हैं हमारे मेहमान हैं सब सफ़ीर जफरल साहब ताकत यू आफ्टर ब्रेक